पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ श्लोक दिए हुए हैं, जैसे श्लोक नंबर फर्स्ट है आपका, सूर्य तप्तु मेघा वा विपुलम जलम वर्षन्तु, कसिका कसिक है शीत काले अभि नित्यम कर्मठो। यानी सूर्य तप्तु, तप्तु तप्तु माने क्या होता है, तपा हुआ जला हुआ, मेघा मेघा यानी बादल, मेघा यानी बादल, कृषका यानी किसान, कृषका यानी किसान, विपुलम विपुलम यानी अत्यधिक, अधिक विपुलम यानी अत्यधिक, शीते शीते यानी सर्दी, शीते यानी सर्दी, और कर्मठो कर्मठो यानी क्रियाशील, कर्मठो यानी क्रियाशील। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, चाहे सूर्य तपाए, मतलब सूर्य तप्तु मेघः, चाहे सूर्य तपाए वा विपुलं जल वर्षन्तु, चाहे बादल अत्यधिक जल वर्षाए, चाहे तो सूर्य तपाए चाहे बादलों से अत्यधिक बारिश हो, कृषिका कृषिक है शीत काल अपि नित्यं कर्मठो, किसान और महिला किसान आया है, कृषिका कृषिक है, कृषिका महिला के लिए आया है, किसान महिला के लिए, कृषिक है किसान के लिए आया है। तो जो किसान है और जो किसान महिला है वो लगातार सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं, अर्थात काम करते रहते हैं, मतलब कि चाहे तो सूर्य तपाए अत्यधिक गर्मी पड़े और चाहे बादलों से खूब बारिश हो अत्यधिक बारिश हो, लेकिन जो किसान है और किसान महिला है वो निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा देखिए, दूसरा है ग्रीष्मे शरीरम स्वदे स्वेदम, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते सदा कंपमयम, तौ हले कुदाले क्षेत्राणि कर्षते, तौ हले हले कुदाले क्षेत्राणि कर्षते, यानी ग्रीष्मे यानी गर्मी में सस्वेदम पसीने में लतपत, सस्वेदम पसीने में लतपत, कुदालेन शीते यानी सर्दी में, कंपयम मतलब कंपन युक्त, कुदालेन यानी कुदाल से, क्षेत्राणी यानी खेतों को, क्षेत्राणी यानी खेतों को, कर्षते कर्षते यानी कि जोतते हैं। अब इनके अनुवाद देखिए इसका, गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है, गर्मी में ग्रीष्मे शरीरम स्वेदम, गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में सदा कंपन युक्त होता है, गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में कंपन युक्त होता है, फिर भी पति पत्नी यानी कि किसान और किसान महिला हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेतों को जोतते रहते हैं। अगली बात समझ में, तीसरा देखिए, पाद्यो न पदत्राणे शरीर शरीरो न वसनानि, जीवनम निर्दलम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, पाद्यो यानी पैरों में, पदत्राणे यानी जूते, पदत्राणे यानी जूते, वसनानि यानी वस्त्र कपड़े, वसनानि यानी वस्त्र कपड़े, नो माने नहीं, कष्टम माने कष्टपूर्ण, तिष्ठति माने है। अब देखो, पैरों में न जूते हैं, पाद्यो न पदत्राणे, पैरों में न जूते हैं, शरीरो न वस्त्राणि, न शरीर पर वस्त्र है, निर्धनम कष्टम सुखम, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है, उनका जीवन कैसा है, निर्धन और कष्टमय है, सुख तो दूर ही रहता है उन लोगों से, सुख तो कैसा रहता है, दूर ही रहता है। फोर्थ देखिए, गृहम जीर्णम वर्षासु वृष्टि वारयतुम न झमम तदापि कृषिकाणां कर्म वीरत्व न नश्यति, गृहम गृहम यानी घर, जीर्णम जीर्णम यानी पुराना,
वर्षासु यानी वर्षा में, बार्यतुम यानी दूर करने में, क्षमा यानी समर्थ, कृषिकाणाम यानी महिला किसानों का है, नश्यन्ति यानी नष्ट करता है। तो देखिए इसका अनुवाद क्या होगा, उनका घर पुराना है, गृहम जीर्णम, जीर्णम माने पुराना, गृह माने घर, उनका घर पुराना है। वर्षासु वृष्टि वायतुम न क्षमा, जो वर्षा काल में वर्षा को दूर करने में समर्थ नहीं है उनका घर पुराना है। जो वर्षा काल में वर्षा को दूर करने में कैसा नहीं है, समर्थ नहीं है, तथापि महिला किसानों की परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है, फिर भी जो महिला किसान है वो परिश्रम करती रहती है। अगला देखिए, तयोश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि या शुष्का कष्टका व्रता धारिती सर्वदा जाता, यानी श्रमेण यानी परिश्रम के द्वारा, श्रमेण यानी परिश्रम के द्वारा सस्य पूर्णानि, सस्य पूर्णानि यानी फसल अनाज से युक्त, दरिद्री, दरिद्री यानी पृथ्वी, सरसा यानी सरस, शुष्का यानी शुष्क बंजर, कष्टका व्रता यानी कांटों से परिपूर्ण। अब इसका अनुवाद कैसे होगा, उन पति पत्नी के परिश्रम के द्वारा ही, यानी किसान और किसान महिला के परिश्रम के द्वारा ही खेत फसलों से युक्त रहते हैं। जो किसान है, किसान महिला है, उनके परिश्रम के द्वारा ही जो खेत है वो फसलों से परिपूर्ण रहते हैं। जो सूखी और कांटों से परिपूर्ण धरती है वह कैसी हो जाती है, सरस हो जाती है, वह कैसी हो जाती है, सरस हो जाती है। अगला देखिए, तौ सर्वेभ्यम् एक साकम् अन्नम फलम दुग्धम तत्वा जनपालकौ नित्यं विचित्रौ सुधा दृशा कुलौ स्थितः। साकम यानी सब्जी, दुग्धम यानी दूध, दत्वा माने देकर, सर्वेभ्य माने सभी के लिए, सुधा यानी भूख, तृषा कुलौ यानी प्यास से व्याकुल। तो हिंदी अनुवाद कैसे होगा, वे दोनों यानी मन किसान और किसान की महिला है, वे दोनों सभी के लिए साग अन्न फल दूध देकर के विचित्र जलपालक भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। मतलब ये दूसरों को तो क्या देते हैं, साग सब्जी, साग अन्न फल दूध ये सब प्रदान करते हैं, लेकिन वो खुद कैसे रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो बेटा ये जो चैप्टर है आपका कर्मवीर किसान, इसमें ये श्लोक है, इनका अर्थ मैंने आपको करा दिया है। अब इससे इसको आप अच्छे से समझना बेटा और अच्छे से इसको रीड करना। थैंक यू।